तो चलिए दोस्तों, श्रीलंका के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होने वाला था, लेकिन तभी श्रीलंका के कप्तान कुशाल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और गेंदबाजी करते हुए दोस्तों पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने गंवा दिया अपना कीमती विकेट। एक समय लग रहा था कि रोहित शर्मा आज बहुत बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं, लेकिन तीसरी ही गेंद पर दोस्तों क्लीन बॉल्ड रोहित शर्मा होकर अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद आए दोस्तों क्रीज पर किंग कोहली का धमाल। किंग कोहली और उनके साथ में दोस्तों शुभमन गिल ने आज यहां पे श्रीलंका की धूल चटाई और श्रीलंका को यहां पे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और श्रीलंका एक खेमे में आग लगा दी। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने विराट और शुभमन की लगातार 50 के चलते यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तहलका मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों ग्राउंड पे तहलका मचा दिया और यहाँ पे वानखेड़े के ग्राउंड पे लगातार दोस्तों दोनों के दोनों खिलाड़ी अर्धशतक जमाते हुए नजर आए। ठीक वहीं आप सभी को बता दें दोस्तों, विराट कोहली ने अपना इतनी जल्दी से अर्धशतक कंप्लीट किया, लग नहीं रहा था कि आज विराट इतनी अच्छी पारी खेलेंगे। उन्हीं के साथ साथ शुभमन ने भी अपना अर्धशतक कंप्लीट किया, लेकिन जब यहां पे बारी आई दोस्तों शतक की तो शुभमन गिल ने गवा बैठे अपना अहम विकेट और शुभमन गिल दे बैठे टीम इंडिया के रूप में दूसरा विकेट। झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। वहीं विराट ने भी अपना विकेट गवा दिया और इसके बाद दोस्तों चलते बन गए थे विराट कोहली भी, लेकिन तभी आने वाला था एक और धमाकेदार खिलाड़ी जिसकी एंट्री होने वाली थी और वो कोई और नहीं दोस्तों, स्वयं श्रेयस अय्यर आने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले थे श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर ने भी आज यहाँ पे तहलका मचाना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी धमाकेदार इनिंग्स खेली दोस्तों लगातार। यहाँ पे अपना एक और अर्धशतक श्रेयस अय्यर जमाते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार यादव आज कुछ अहम योगदान नहीं कर सके, लेकिन कामयाबी भुगतनी पड़ी श्रेयस अय्यर के रूप में श्रीलंका टीम को। ऐसे में भारतीय टीम ने दोस्तों 50 ओवर की समाप्ति के बाद में 357 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के लिए ये मैच जीत पाना बहुत बड़ी मशक्कत हो चुकी थी। आज श्रेयस अय्यर ने भी दोस्तों बहुत ही बड़ा योगदान दिया। आपको बताते हैं कंप्लीट मैच की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बताते हैं कि जब श्रीलंका ने इस स्कोर का पीछा करने उतरे तो पहले ही ओवर में दोस्तों बहुत बड़ा झटका श्रीलंका को लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि पारी की शुरुआत खराब रही यहाँ पे श्रीलंका के लिए। श्रीलंका को जब पहला झटका लगा तो यहाँ पे 358 रन का पीछा करने के लिए जैसे ही पथुम निशंका पहली गेंद में ही आउट हो गए और वहीं दूसरा झटका मोहम्मद सिराज ने दे दिया। 2 रन पर श्रीलंका ने दूसरा विकेट गवा दिया। ऐसे में दोस्तों लगातार श्रीलंका के विकेटों को विकेट जाते जा रहे थे और श्रीलंका के 3 विकेट गिर चुके थे दोस्तों। 2 रन के स्कोर पर श्रीलंका ने टीम ने 3 विकेट गवा दिए। ऐसे में अच्छी लय में चल रहे सदिरा समर विक्रमा भी खाता खोले बिना आउट हो चुके थे। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और सिराज ने उन्हें स्लिप में श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान मेंडिस के साथ चरित असलंका क्रीज पर थे। ऐसे में विराट और शुभमन दोनों काफी हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे थे, विराट के साथ साथ लोकेश राहुल भी। तो दोस्तों इस तरह से मैच भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को यहाँ पे ऑल आउट करके श्रीलंका को अपने नाम कर लिया है। 302 रन से जीत लिया है भारतीय टीम ने, जहां पे मोहम्मद शमी ने दोस्तों 5 बड़े बड़े विकेट भी लिए हैं और इतिहास रच दिया है सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के नाम। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम ने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, 302 रनों से जीत कर श्रीलंका को बहुत ही तगड़े तरीके से हरा दिया है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक